अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और जहांजीब, और आप देखिए हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरतबा पे सलाम। और गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग बड़ी कमाल किस्म का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो जी टॉप 10 इंडियन विद मोस्ट ब्रांडेड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। ओके, तो ये ब्रांड वैल्यू किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलती है, तो चलते हैं जी ये वीडियो देखते हैं। वीडियो जी टॉप 10 हिंदी वाले भाई की बड़ी कमाल किस्म की वॉइस, बहुत जबरदस्त आवाज और बहुत कमाल का वीडियो होता है हमेशा इनका, रोचक किस्म का। तो चलते हैं इनका वीडियो देखते हैं, बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई नई वीडियो आप भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे लिंक सेंड करें और मैं टॉप 10 हिंदी वाले रिएक्शन जरूर दूंगा। तो लेट्स टॉप 10 हिंदी वाले भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। टॉप 10 इंडियंस विद मोस्ट ब्रांड वैल्यू, सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले 10 भारतीय। दोस्तों, लगभग सभी ब्रांड अपने अपने प्रमोशंस के लिए किसी न किसी स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। इससे स्टार और ब्रांड दोनों को ही फायदा होता है, ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है और स्टार की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं थम्स अप का नाम लूं तो आपके मन में तुरंत ही सलमान खान का नाम आ जाएगा। नवरत्न तेल के साथ अमिताभ बच्चन और वीवो के साथ आमिर खान इसी तरह जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन है वो भारतीय है जिनके सबसे ज्यादा है ब्रांड वैल्यू? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 10, आयुष्मान खुराना। दोस्तों, ब्रांड वैल्यू की टॉप 10 लिस्ट में 10वां नंबर बॉलीवुड के सुपरस्टार आयुष्मान खुराना का है। आयुष्मान पिछले 2 सालों में बैक टू बैक 8 सुपरहिट मूवी कर चुके हैं, जिसमें उनकी सबसे लेटेस्ट मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान है। इतनी सारी हिट मूवीज की वजह से आयुष्मान अब लोगों के बीच अपनी खास पहचान बना चुके हैं। इस वक्त वे अपने करियर के टॉप पर हैं। आयुष्मान ज्यादातर मूवी कम बजट, फैमिली ओरिएंटेड और सोशल मैसेज वाली रखना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि सिनेमा के जरिए हम लोगों के घरों और उनके इमोशंस तक पहुंच सकते हैं और उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हाल ही में डब और फिल्म्स द्वारा की गई स्टडी में ये बात सामने आई है कि साल 2019 में आयुष्मान ने ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए 282 करोड़ रुपए तक की अर्निंग की है। वे इस समय टाइटन आईवेयर, रियल मी फोन, अर्बन क्लैब जैसे करीब 15 ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट करते हैं। एक सफल एक्टर के रूप में उभर कर आए आयुष्मान की ब्रांड वैल्यू भी किसी दूसरे सुपरस्टार से कम नहीं है। सही बात। अपने फ्रेंडली, फनी और स्माइलिंग फेस की वजह से आयुष्मान इंडिया में ब्रांड्स की पसंद बने हुए हैं। 9, महेंद्र सिंह धोनी। भले ही BCCI के बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा MS धोनी को टीम से बाहर रखा गया हो, लेकिन धोनी के फैंस के बीच उनकी दीवानगी इससे बिल्कुल भी कम होती नहीं दिखाई पड़ती। जब तक धोनी IPL की टॉप टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बने हुए हैं, तब तक तो क्रिकेट और उनके फैंस से उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। दुनिया की ब्रांड इंडस्ट्री में महेंद्र सिंह धोनी एक जाना माना नाम है। जानकारों का मानना है कि लोगों के बीच उनकी इतनी खास इमेज बनी हुई है जो कभी कई सालों तक धोनी की ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करके रखेगी। MS धोनी के चार्म और उनकी बेहतरीन क्रिकेट स्किल्स ने पूरे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को उनका दीवाना बना रखा है। जहां साल 2018 में धोनी की ब्रांड वैल्यू करीब 190 करोड़ रुपए थी, वही साल 2019 में उनकी ये वैल्यू बढ़कर 288 करोड़ रुपए हो गई। आज के टाइम पर धोनी 30 से भी ज्यादा ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स से जुड़े हैं, जिसमें पेप्सी, रीबॉक, सोनाटा और डाबर जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा धोनी चेन्नई FC फुटबॉल क्लब, रांची रेस हॉकी क्लब और सुपर स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियन माही रेसिंग टीम के भी ओनर हैं। 8, अमिताभ बच्चन। टफ और फिलिप्स की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में महानायक अमिताभ बच्चन को 8वां प्लेस मिला है। इस लिस्ट में जहां उनकी रैंक 2018 में 7वीं थी, वहीं साल उनकी रैंक एक प्लेस नीचे खिसक गई है। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, इंसान की उम्र कभी सक्सेस और एक्सीलेंस पाने की उसकी विल के आगे नहीं आ सकती। अमिताभ आज भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा बिजी और रिच एक्टर्स में से एक है और आज के सभी स्टार्स के लिए वे एक तगड़ा कंपटीशन है। आज अमिताभ के साथ के सभी एक्टर्स रिटायर हो चुके हैं या उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। वहीं अमिताभ आज भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों पर जादू कर देते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। अमिताभ बॉलीवुड मूवीज के अलावा भी इंडिया के कई सारे एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स का फेस हैं। बॉलीवुड के शहंशाह की साल 2019 की ब्रांड वैल्यू करीब 300 करोड़ रुपए की है। एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स के अलावा भी अमिताभ भारत सरकार की कई सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़े रहे हैं। बिग बी भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और अतुल्य भारत कैंपेन से भी काफी वक्त से जुड़े हैं। 7, आलिया भट्ट। हम अक्सर टीवी में सेलिब्रिटीज को किसी ब्रांड या प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हुए देखते हैं। हालांकि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए एडवर्टाइजर्स द्वारा खुद को चुना जाना इतना आसान भी नहीं होता जितना हमें दिखता है। किसी प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट के लिए चुने जाने के लिए सेलिब्रिटीज के बीच काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन बना रहता है।
बॉलीवुड की बबली गर्ल आलिया भट्ट अपने चार्मिंग और बबली नेचर की वजह से एडवर्टाइजिंग के बीच पॉपुलर फेस बनी हुई है। आज के टाइम पर आलिया के इंस्टाग्राम पर 35 मिलियन और ट्विटर पर 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इस बात से तो आप आलिया की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले इंडियंस की इस लिस्ट में एंट्री पाने वाली बाकी सभी सेलिब्रिटीज में आलिया सबसे यंगेस्ट पर्सन है। आलिया की इस साल की ब्रांड वैल्यू करीब 320 करोड़ रुपए की है। आलिया को एडवर्टाइजर्स द्वारा अक्सर यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए चुना जाता है। इस वक्त आलिया फ्रूटी, सनफीस्ट, डार्क फैंटेसी, लक्स, मेक माय ट्रिप, नेस्ले और कोका कोला जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई है। 6. सलमान खान। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में बड़े ब्रांड्स देश विदेश में अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए काफी हद तक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी ना हो तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी के आते ही प्रोडक्ट के बिकने के चांस बढ़कर आसमान छूने लगते हैं। पूरी दुनिया में बॉलीवुड के बढ़ते क्रेज की वजह से बड़े ब्रांड्स भी सलमान को अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए लेना चाहते हैं। सलमान की साल 2019 की ब्रांड वैल्यू 380 करोड़ रुपए की है। सलमान खान खुद एक ब्रांड है और उन्होंने कई सारे ब्रांड्स की किस्मत बदली है, चाहे वो सुजुकी हो, गोल्डी मसाले, डिक्सी स्कॉट हो या फिर विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका थम्स अप हो। सलमान खान ने जिस भी ब्रांड को हाथ लगाया है वो ब्रांड ऊंचाइयों पर गया है और इसलिए सलमान की वैल्यू लगभग हर साल बढ़ती ही जा रही है। और ये सिलसिला 2010 में आई उनकी वॉन्टेड फिल्म से शुरू हुआ था और आज 2020 में भी चल रहा है। 5. शाहरुख खान। भले इस वक्त बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का फिल्मी करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे आज भी एडवर्टाइजिंग कंपनियों की पसंद बने हुए हैं। शाहरुख खान की लोगों के बीच में एक टेक सेवी और स्मार्ट पर्सन की इमेज बनी हुई है। इस वक्त शाहरुख खान ज्यादातर बायजूस द लर्निंग ऐप के एडवर्टाइजिंग में देखने को मिल जाते हैं। पिछले 2-3 सालों में शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू को काफी नुकसान पहुंचा है। उनकी साल 2016 की 740 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू 2019 में घटकर 455 करोड़ रुपए की हो रही है, लेकिन उनके फैंस और चाहने वालों का प्यार ही है कि आज भी शाहरुख टॉप ब्रांड वैल्यू वाले इंडियंस के मामले में 5वें प्लेस पर काबिज हैं। रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि बॉलीवुड और मीडिया इवेंट में अपनी मिनिमम प्रेजेंस की वजह से शाहरुख के पास के कुछ ब्रांड्स उनसे यंगर स्टार्स को ऑफर किए गए हैं। 4. रणवीर सिंह। पिछले 3 सालों में बैक टू बैक हिट फिल्म्स देने वाले एक्टर रणवीर सिंह इंडिया के यूथ की पहली पसंद के रूप में उभर कर आए हैं। उनकी पर्सनैलिटी किसी जादू की तरह ऑडियंस को अपने साथ बांध लेती है। रणवीर सिंह अपने चुलबुलेपन और एनर्जेटिक स्टाइल की वजह से हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। रणवीर सिर्फ अपने फिल्मी करियर में ही टॉप पोजीशन पर नहीं है, बल्कि वो इंडिया के कई फेमस ब्रांड्स का भी फेस बन चुके हैं। इस साल रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 655 करोड़ रुपए की है। इस वक्त रणवीर 28 से भी ज्यादा ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं, जिनमें कंज्यूमर प्रोडक्ट, लग्जरी आइटम्स और लाइफस्टाइल गुड्स से जुड़े ब्रांड्स शामिल हैं। रणवीर को ज्यादातर यूथ ओरिएंटेड ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग के लिए ऑफर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रणवीर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंप्लीट आउटसाइडर हैं, इसलिए यूथ ऑडियंस उनके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाती है और इसलिए रणवीर युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाने में कामयाब रहे हैं और ये उनकी हाई ब्रांड वैल्यू का सीक्रेट है। 3. दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण इंडिया की टॉप एक्ट्रेस तो है ही, इसके साथ ही साथ वो इंडिया की टॉप ब्रांड वैल्यू के मामले पर तीसरे नंबर पर है। साल 2018 में आई पद्मा बनाओ में दीपिका ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से दर्शकों के मन में अपनी खास जगह बना ली थी। इस मूवी में उन्होंने रानी पद्मावती के रोल को बखूबी निभाया था। दीपिका के लीड रोल में होने से इस मूवी ने 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। अपने सफल फिल्मी करियर की वजह से दीपिका न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, बल्कि वो कमाई के मामले में भी बाकी सुपरस्टार से आगे है। दीपिका की साल 2019 की ब्रांड वैल्यू अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के बराबर 655 करोड़ रुपए की ही है। हालांकि जनवरी में अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन और JNU हिंसा के पीड़ित छात्रों से मिलने के लिए दीपिका के JNU जाने के बाद से कई सारे ब्रांड्स ने अपने एंडोर्समेंट्स के लिए दीपिका से किनारा कर लिया है और इससे उनकी ब्रांड वैल्यू को भी नुकसान पहुंचा है। 2. अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस दुनिया के चौथे हाईएस्ट पेड और इंडिया के मोस्ट पेड एक्टर। मूवी से होने वाली सालाना आय 466 करोड़ रुपए की है। इस वक्त अक्षय अपने पूरे एक्टिंग करियर के टॉप पर चल रहे हैं। साल 2019 में अक्षय की 4 मूवीज केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज रिलीज हुई और इन 4 मूवीज ने ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, जो पिछले साल डफ और फिलिप्स के इस लिस्ट में तीसरे प्लेस पर थे, उन्हें इस साल अपनी ब्रांड वैल्यू में 55% तक की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ब्रांड वैल्यू के मामले में उन्होंने बॉलीवुड के बाकी सभी स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। अक्षय कुमार इंडिया के सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटीज बनकर उभरे हैं।
उनकी ब्रांड वैल्यू करीब 742 करोड़ रुपए की है, जो इंडिया में किसी भी दूसरे बॉलीवुड स्टार की ब्रांड वैल्यू से कहीं ज्यादा है। अक्षय अभी 30 से भी ज्यादा ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स से जुड़े हैं, जिसमें होंडा, पॉलिसी बाजार, हार्पिक, रिवाइटल जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। एक मीडिया न्यूज के हिसाब से अक्षय अपने हर ब्रांड के लिए प्रमोशन के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। विराट कोहली, भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली लगातार तीसरे साल इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड बनकर उभरे हैं। साल 2019 की टफ एंड फिलिप्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन लिस्ट, जिसका टाइटल न्यू इज गोल्ड रखा गया है, में विराट कोहली को इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी ब्रांड बताया गया है, जो नंबर 2 पर काबिज सेलिब्रिटी अक्षय कुमार से लगभग 2 गुनी ब्रांड वैल्यू रखते हैं। इस साल विराट की ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले पूरे 40% तक बढ़ी है। विराट ने ब्रांड वैल्यू के मामले में बॉलीवुड के अच्छे खासे सेलिब्रिटीज को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। विराट की इस साल की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट में विराट की वैल्यू जहां 1600 करोड़ रुपए की है, वहीं उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू 160 करोड़ रुपए की है। इस दुनिया के सबसे महानतम बैट्समैन में से एक विराट कोहली क्रिकेट फील्ड पर तो आक्रामक रहते ही है, लेकिन इस बार उन्होंने एंडोर्समेंट्स की फील्ड में भी अच्छे से अच्छे मंझे हुए बॉलीवुड स्टार्स को धो डाला है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले भारतीय। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और महेंद्र सिंह धोनी की ब्रांड वैल्यू कम होने के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। You know, running a small business isn't easy. असल माल तो यहां से आ रहा है जी। असल माल विराट कोहली 1600 करोड़ तो यहीं से निकाल देते हैं हर साल। हर साल हम कहते हैं उनकी ऐसी वो है कितना आईपीएल और गेम तो लगता है बस उनकी अपनी प्रमोशन है भाई। आईपीएल से भी 20 करोड़ आता है, ऐसी बात नहीं है। 16 करोड़ कह रहा था। अंदाजा करो मतलब कि क्या शानदार प्लेयर है और क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। और दुनिया सारी उसको देखने के लिए जो है ना उतावली पड़ी होती है, इसीलिए जो है ना जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि हम विराट कोहली से अपनी चीज की प्रमोशन कराएं और अपने ब्रांड की भी जो है ना वैल्यू में इजाफा करें, ठीक है। अपनी चीज की वैल्यू में इजाफा करने के लिए लोग विराट कोहली के साथ रब्ता करके तो अपनी चीज को प्रमोट करते हैं। कौन आया लेट्स स्टार्ट। तो ये थी जी विराट कोहली साहब की ब्रांड वैल्यू। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भी ब्रांड वैल्यू चौथे नंबर पे थे दुनिया में। ये कितने पे होंगे यार? विराट कोहली कितने नंबर पे होंगे? मैं कहता हूँ चौथे नंबर पे बॉलीवुड या कोई एक्टर होंगे। ओ भाई वो दूसरे नंबर पे तो वैसे हैं, वैसे कोई एक्टर हो मतलब एक्ट्रेस के हिसाब से वो चौथे नंबर पे होंगे। ये पता नहीं फिर, वैसे अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो देखना चाहिए। उस हिसाब से तो रोनाल्डो कितना होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पे होगा। पहले नंबर पे तो वही है क्रिस्टियानो। और क्या नाम है, आयुष्मान खुराना ने बड़ी हिट मूवीज दी है। हाँ जी, और टॉप 10 में आ गए हैं, बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। आखिरी 2 सालों में उन्होंने सारी हिट मूवीज दी हैं, बैक टू बैक। इनकी रेटिंग आपको अच्छी मिली हो मतलब खुद अंदाजा लगाया 15-20 करोड़ की मूवी बनाते हैं जो 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती है या उससे ऊपर का बिजनेस कर जाती है। तो ये बड़ा लाजवाब यार, सबको पता है यार इसके इसके साथ मूवी बनाएंगे मूवी हिट जाएगी, ठीक है। जब आपके पास ये चीज आ जाए तो फिर कमाल ही होता है। जब हर एक्टर के पास ये चीज नहीं है, सलमान खान की भी मतलब सलमान खान एक मूवी बनाएंगे तो उनकी बजट ही 150 करोड़ का होगा। ये मूवी बनाते हैं, बड़ी मूवी बनाते हैं, हमेशा बड़े बजट की मूवी बनाते हैं, उसके लिए उनको मेहनत दरकार होती है। ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करते हैं 150 करोड़ की है तो मुझे 300 करोड़ तक का बिजनेस करना है, ठीक है। उन्हें टेंशन ज्यादा होती है, टेंशन कोई नहीं है। 10 से 15 करोड़ का बजट है, सही बात है, 20 करोड़ का और मूवी निकाल जाना, मूवी निकाल जाए तभी है। मूवी जो है वो ब्रांड ब्रांड के नाम से चल जाती है। आयुष्मान खुराना वो एक ब्रांड है जिससे मूवी 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस ले जाती है। और वो सोशल मैसेज देते हैं हर मूवी में, कोई ना कोई मैसेज होता है होती, मतलब कोई ऐसे यूनिक मामले में जो सोच नहीं सकता कोई। और अमिताभ बच्चन क्या नाम है, कब से यार यकीन करो वो बंदा सही कह रहे हैं कि सारी जो उनके साथ के जितने भी एक्टर्स हैं सारे रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो बंदा अकेला अभी भी जो है ना कमाल के यार लेजेंड एक्टर हैं।
आज भी आपको जो है ना, अगर आप उनको कोई भी मूवी उठा के देखे ना, नई नई आती है इंडिया में, वो यही लोग ले सकते हैं मेरे हिसाब से भी तो। आप पब्लिक नहीं ले सकेगी। वो भी उड़ने वाली गाड़ी कहाँ से आ गई? वो आ रही है इंडिया में। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। और ये है दुनिया का सबसे चुस्त इंसान, जो कि कहीं पे भी चुस्त मार के तो वीडियो को फिनिश कर दिया उन्होंने। तो जाने से पहले आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।